Hey guys, many of you have asked me about the reference book. The link is there in the description. If you just want it, just go and check it. Now, improving communication effectiveness. Number one, clarify the idea before communication. सबसे पहले अपने माइंड में सेट करो आपको रिसीवर को क्या इन्फॉर्मेशन देनी है. जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो प्रॉपरली फ्रेम करो, जो आपको इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को देनी है, ताकि आप क्लियरली उसको अपनी बात समझा सको. सेकेंड इज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर. अब जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो रिसीवर को, वो उसको फ्रूटफुल है, उसके लिए ज़रूरी है. ये नहीं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को ऐसे ही आप दे रहे हो टाइम पास के लिए. नहीं, आप उस पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसमें उस पर्सन का इंटरेस्ट है, उसमें उस पर्सन का फायदा है. आपका इंटरेस्ट है तो उसका भी इंटरेस्ट है. थर्ड, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग. मतलब कोई भी प्लान आप ऐसे ही मत बता दो किसी को भी, रिसीवर को. आप पहले कम्युनिकेट करो अपने टीम मेंबर्स से कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि वंस यू कम्युनिकेट समथिंग टू अदर पर्सन, वो उस चीज़ के ऊपर आपका एक आइडिया फॉर्म कर लेगा, आपकी एक इमेज फॉर्म कर लेगा. तो और अगर आप प्लान चेंज कर रहे हो तो इट वुड बी अ कन्फ्यूजन फॉर दैट पर्सन. तो हमेशा कंसल्ट करो अदर्स से और सोच समझ के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो. फोर, प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करो, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज. प्रॉपर सिंबल्स यूज करो, आप उस पर्सन को क्या मैसेज देना चाह रहे हो. प्रॉपर फीडबैक. फीडबैक अगर आपको मिल रहा है, इट मीन्स आपका मैसेज, जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ. इफ यू आर इन गेटिंग एनी फीडबैक, इट मीन्स योर मैसेज हैवन कंप्लीटेड. आप उस पर्सन को जब तक कोई रिसीवर जब तक आपका मैसेज नहीं समझ सकता, जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को क्लियर नहीं है, योर प्रोसेस इजंट कंप्लीटेड. तो प्रॉपर फीडबैक ज़रूरी है. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सजेशन एज वेल एज फॉर क्रिटिसिज्म. सिक्स्थ इज कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर. कम्युनिकेशन को मीट करना चाहिए नीड ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन. कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए. फॉलो अप कम्युनिकेशन. अब देखो, अगर फॉलो अप है, फॉलो अप ज़रूरी है. अगर सामने वाले रिसीवर को आपकी बात समझ में ही नहीं आई, उसको डाउट्स हैं, तो आपको उसके डाउट्स क्लियर करने चाहिए, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाना चाहिए. एट इज बी अ गुड लिसनर. सेंडर मस्ट लिसन टू रिसीवर्स वर्ड्स अल्टरनेटिवली. ऑन द अदर हैंड, रिसीवर को भी अटेंशन पे करना चाहिए जो बात सेंडर उसे बताना चाह रहा है. बी पेशेंट एंड अटेंटिव टूवर्ड्स व्हाट द टू ऑफ देम आर सेइंग. ओपन माइंड होना चाहिए. पार्टीज टू कम्युनिकेशन मस्ट हैव ओपन माइंड. क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो. इट शुड नॉट बी दैट कि जितनी इन्फॉर्मेशन की उसको ज़रूरत है उतनी दे रहे हो, लेकिन जो आपने जितनी इन्फॉर्मेशन उसको दी उससे वो बात उसको क्लियर ही नहीं हुई. तो बेसिकली उसको बात बताओ, उसको क्लियरली बताओ जो बात है, जो इन्फॉर्मेशन है, ताकि उसे समझ में आए. टेंथ इज कम्प्लीटनेस ऑफ मैसेज. मैसेज इफ इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्प्लीट. रिसीवर शुड नॉट बी लेफ्ट गेसिंग इट, एज इट वुड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. इट वुड लीड टू द मेस. इट विल लीड टू लॉट ऑफ हर्डल फॉर बोथ ऑफ देम.